लखीमपुर में पुलिस की व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है, इसके लिए एसपी ने खुद एक फर्जी लूट का मैसेज पुलिस को दिया और बताया कि लुटेरे अपाचे बाइक से भाग रहे हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को पकड़ लिया और उसके बाद क्या हुआ आप खुद देखिए। लखीमपुर खीरी में एसपी सतेंद्र कुमार ने पुलिस व्यवस्था को चेक करने के लिए वायरलेस पर मैसेज दिया कि दो लुटेरे लूट की घटना को अंजाम देकर अपाचे बाइक से भाग रहे हैं और इसके बाद एसपी सतेंद्र कुमार खुद बाइक पर हेलमेट लगाकर बैठ गए। पीछे बैठा लिया एएसपी अरुण कुमार। लूट की सूचना के बाद जिले की पुलिस अलर्ट हो गई। जब एसपी सतेंद्र शहर के मेन रोड पर पहुंचे तो वहां चेकिंग कर रहे एक दारोगा ने उनकी बाइक रुकवाने का इशारा किया। एसपी ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। दारोगा पीछे दौड़ा और बाइक के आगे खड़ा हो गया। हेलमेट लगाया एसपी ने बाइक दाईं ओर मोड़ दी और भागने का फिर प्रयास किया तो दारोगा ने अगले पहिए में डंडा फंसाकर गाड़ी रोककर एसपी को पकड़ लिया। जब एसपी सतेंद्र ने हेलमेट उतारा तो अपने कप्तान को देख दारोगा हक्का पक्का रह गया। एसपी ने दारोगा को सजग देख खुशी जाहिर की। उन्होंने तत्काल दारोगा को इनाम दिए जाने की घोषणा भी कर दी। इस पूरी कवायद में ये पुलिस को की गश्त व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने और चोर या लुटेरों को जो पकड़ने की जो एक योजना होती है उसका हम लोग चेक कर रहे थे। कुछ जगहों पे पाया गया कि गश्त व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। उन सभी संबंधित थाना प्रभारियों और चौकी इंचार्जों से हम इंस्पेक्शन तलब करेंगे। जिन्होंने हम लोगों को पकड़ा उनको इनाम की घोषणा की गई। इस दौरान एसपी सतेंद्र कुमार ने बताया कि शहर की पुलिस गश्त और व्यवस्था सब ठीक से काम कर रही है या नहीं इसे चेक करने के लिए मैंने फर्जी लूट की सूचना का मैसेज सेट से खुद ही पास किया था और इस दौरान एक दारोगा ने सजगता दिखाते हुए मुझे पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान पुलिस को शहर के कुछ इलाकों में अव्यवस्थाएं भी नजर आईं, जिसे सुधारने की भी कोशिशें जारी हैं। लखीमपुर खीरी से गोपाल गिरी R9 TV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।